एक मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, मिस्टेक्स बुक्स जिस जो मैं करता था एक्चुअली, कि आप जितने भी टेस्ट स्टार्ट किया आपने टॉपिक वाइज या फुल लेंथ जो भी टेस्ट आपने स्टार्ट किया, तो बेसिकली कोई भी एस्पिरेंट्स तीन टाइप के ही मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला सिले मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स और कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, ठीक है। तो उस मिस्टेक्स बुक में आप इन तीनों को बुक मार्क करके लिखो कि मेरे से सिले मिस्टेक्स हुई है, मैंने क्या मिस्टेक्स करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है तो ये क्या मिस्टेक्स की है, या सिले मिस्टेक्स हुई है तो मैंने कौन सी मिस्टेक्स करी है। क्योंकि कुछ मिस्टेक्स होती है जो पर्सन स्पेसिफिक होती है, जैसे मेरे साथ होता था कि जब भी मैं गेट रेंज के क्वेश्चन बनाता था तो मेरे प्लस माइनस का बहुत सारा मिस्टेक्स होता था, कि पूरे सभी लोगों के आंसर प्लस में आ रहे हैं, मेरा माइनस आ जाता था। तो मुझे पता था कि मैं यहाँ मिस्टेक्स करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा केयरफुली होकर के इसको सही कर लो। और ये मिस्टेक्स बुक्स को आप डेली एक बार जरूर गो थ्रू करो, या कोई भी टेस्ट देने के पहले एक बार गो थ्रू करो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो भी मिस्टेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। किसी व्यक्ति ने कहा था, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप एक रास्ता तैयार कर लेंगे, अन्यथा एक बहाना। दोस्तों, ये पंक्तियां सही सिद्ध साबित होती हैं उस व्यक्ति के लिए जो आज हम लोगों के साथ है। सो वेलकम टू द कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव बाय द अनअकैडमी। मैं कार्तिक भारद्वाज, और दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिसने पूरी जॉब करते हुए ना केवल गेट को क्लियर किया बल्कि ऑल इंडिया 12 रैंक भी ली। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पूरी जॉब करते हुए ऑल इंडिया एग्जाम को इस तरह क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। तो चलिए हम सभी लोग मिलकर स्वागत करते हैं यहाँ पर हिमांशु का, जो अभी हमारे साथ हैं। हिमांशु, हम सभी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, सबसे पहले तो थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग मी एट अनअकैडमी एंड दैट ऑसम इंट्रोडक्शन दैट यू हैव गिवन। तो सबसे पहले हिमांशु, हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, तो आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट लगी, तो उस अचीवमेंट के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? वेल, गेट में ऑल इंडिया रैंक 12 आया, मतलब मेरा ऑलरेडी शुरू से प्लान था कि एक अच्छा रैंक गेट में आए। तो गेट में ये रैंक लाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मींस काम है अब, काफ़ी ज़्यादा मींस बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ चल रही है अभी। जी, जी। या सारा चीज़ फिगर आउट लग रहा है कि अब नेक्स्ट क्या है, या सारी चीज़ें अभी दिमाग में एकदम सिंपल चल रही है। आपने फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया होगा, प्रोसीजर भी करना। हाँ, पीएससी के फॉर्म्स एक्चुअली गेट के रिजल्ट आने के पहले आ जाते हैं, तो 3-4 फॉर्म्स मैंने भर दिए हैं। तो चलिए, आप बहुत ही जल्दी पीएससी में एग्जीक्यूटिव भी बन जाएंगे, हमारी विशेष आपके साथ हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करता हूँ इस बात से कि आप अपनी इस ऑसम अचीवमेंट को किसको डेडिकेटेड करना चाहेंगे? वेल, सबसे पहले तो पेरेंट्स को, ये तो अंडरस्टूड है कि विदाउट देयर सपोर्ट और विदाउट उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स ऑल द एफर्ट्स, उनके अलावा भी बहुत सारे मेरे घर के लोग हैं जिनको मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ। उनमें मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भैया, दीदी और मेरे अंकल आते हैं, और उनके कांस्टेंट सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो नहीं, बेसिकली मुझे ये जानना है कि एक बंदा जिसने आज गेट में ये मुकाम पाया है, वो किस टाइप का स्टूडेंट था स्कूल के टाइम में? कहा जाए आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा हो, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हो, एक ब्लो एवरेज स्टूडेंट रहा हो, तो मतलब आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे? मैं अपने आप को अबव एवरेज कैटेगरी में रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट तो नहीं था अनलेस मैं कहीं आई आई टी में होता, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं था, मींस अबव एवरेज था कॉलेजेस में, क्लासेस में भी, मतलब एकेडमिक्स में भी परफॉर्मेंस सही रहता था, कॉलेज में भी सब कुछ सही रहा, बोर्ड्स में भी सही मार्क्स है, मतलब अबव एवरेज आई वुड से। तो कॉलेज के टाइम पे ही आपको लगता है कि आपने कॉलेज के टाइम पे जो भी सब्जेक्ट आते रहे वो आप उसको साथ ही साथ कवर करते रहे, तो उसकी हेल्प आपको गेट में मिली? एग्जैक्टली, सेकेंड ईयर एक ऐसा टाइम रहता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता है, नए सब्जेक्ट से आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे होते हो, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहता है कि उन सारे सब्जेक्ट्स को जो गेट में आने वाले हैं उन्हें थोड़ी सी डीप स्टडी कर लो, क्योंकि उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको दोबारा पढ़ना है, तो आप जब गेट के लिए फोकस होकर पढ़ोगे तो आप एक अपर एज पर रहोगे, आपको उन सब सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं देखो, जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है ना, क्योंकि वहाँ बेसिकली आपको न्यूमेरिकल अप्रोच फॉलो करनी होती है और आपको डीप कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जबकि अगर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जाएँ, है ना, जबकि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ का हाल NIT IITs को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में एक ही जैसा है। तो मेरा कहना यह है कि उस टाइम पे, मतलब जहाँ पर जो है थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं और आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग का सिनेरियो कैसा चल रहा है आजकल, उस करंट सिनेरियो में गेट को, मतलब ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि आप पहले से ही तैयार थे उसके लिए कि मुझे गेट जाके करना है, जबकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसको कैसे मैनेज किया, मतलब आपने बाद में जाके
न्यूमेरिकल में जब एक्चुअली सेकंड ईयर में डिसाइडेड तो था कि मुझे गेट के लिए जाना है जी, और गेट का अप्रोच पूरा न्यूमेरिकल रहता है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। तो वो उस डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप सेकंड ईयर में बुक्स को अच्छे से रीड कर लो, थोड़े से डीप में जाके पढ़ाई कर लो और थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लगा लो, तो बहुत ही ज़्यादा अपर एज पे आप आ जाते हो जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे होगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक मोमेंटम गेन करना बहुत जरूरी होता है जब भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते। तो सेकंड ईयर में मेरा यही था, मैंने सारी चीज़ों को डीप, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे थे उनकी डीप स्टडी करी। फिर थर्ड ईयर में जब मैं पहुँचा तो थर्ड ईयर में फॉर्चुनेटली एक एमटेक के सीनियर मिल गए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया कॉलेज के टाइम पे, गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड या इन सब एग्ज़ाम्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने। तो उनके हेल्प से थर्ड ईयर से मैंने कम्प्लीटली गेट की तरफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच। तो यानी आपका कंप्लीट डेडिकेशन, या कहें कि आपने अपने आप को प्रिपेयर के लिए पूरा स्टार्ट किया थर्ड ईयर से जाके। हाँ। तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी, जो भी आपको फॉलो कर रहे हैं, जो भी लर्नर्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो आप उनसे कहना चाहेंगे अगर आप बीटेक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द गेट। थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम। थर्ड ईयर से अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर से अगर आप थोड़ा सा भी लेट करते हो तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। Correct. तो सबसे बेस्ट टाइम होता है सेकंड ईयर में, आप डिसाइड कर लो कि आपको किस साइड जाना है एंड थर्ड ईयर से उस डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर दो आप उसको। चलिए, बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम। सेकंड ईयर आप डिसाइड कीजिए और थर्ड ईयर से उसको शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, थोड़ा सा आप अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे। वेल सर, ऐसे तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं हम लोग, तो बेसिकली मेरा सबसे मतलब मेरे को बुक्स पढ़ना या मूवीज़ देखना इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और कोरा रीड करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव कोरा पे ही रहता हूँ। अच्छा, तो कोरा पे मैं कंटिन्यूसली डेली एटलीस्ट आधे घंटे से एक घंटे मैं डेली कोरा को देता था। okay, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी, और अभी तो वो आवर्स और ज़्यादा ही बढ़ गया है। अच्छा, तो फिर उसके बाद जैसे ही आपका कॉलेज खत्म हुआ, तो जैसे ही आपने फोर्थ ईयर में ही आपने क्वालिफाई किया था गेट को, तो क्वालिफाई किया था लेकिन उस बार मेरे अप टू द मार्क्स नहीं आ पाए थे कि मैं किसी पीएसयू में या इन सब चीज़ में अप्लाई कर पाऊँ। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हर किसी की लाइफ में आता है, जैसे ही आप फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हैं, आपने कहा कि जैसे कि गेट में आपकी प्रॉपर रैंक नहीं आई उस टाइम पर, जैसे ही आप 11th से जब कॉलेज की तरफ जाते हैं तब एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक उसी तरह एक डिसीजन एक इंपॉर्टेंट लेना होता है एक बंदे को जब वो पहुंचता है इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आगे की स्टेज पे। Exactly. तो उसके पास रहता है या तो वो जॉब की तरफ चला जाए, और जैसे ही वो जॉब की तरफ जाता है तो एक चीज हमेशा दिमाग में रहती है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना इतना ईजी नहीं है। इसीलिए मैं आपकी इस उपलब्धि को बड़ी उपलब्धियों में से एक मानता हूँ। तो मतलब ये आपने कैसे डिसाइड किया कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब भी करेंगे और जॉब के साथ प्रिपरेशन भी करेंगे, तो हाउ यू टेक दैट डिसीजन? वेल, इस डिसीजन के पीछे सबसे पहले पुराना एफर्ट्स था, क्योंकि मुझे पता था मेरा लेवल क्या है, मैंने किस लेवल पे गेट की प्रिपरेशन की है, या मेरे साथ व्हाट वेंट रॉन्ग लास्ट ईयर, ये चीज़ मुझे पता था कि मेरे साथ गड़बड़ी क्या हुई या मेरे लूप होल्स क्या थे। तो मुझे पता था कि जॉब के साथ में अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, 4-5 घंटे अगर डेली में पढ़ाई करूँगा, तो वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी जो मेरे पुराने लूप होल्स हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया था कि जॉब के साथ में गेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर देगा। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि ठीक है अगर आपने जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और इनकेस मतलब अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उसके बाद आपका अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या रहेगा? वेल, अगर इतना सोच के चलेंगे तो फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि स्टार्टिंग में आप एक प्लान बनाते हो कि मैं इस हिसाब से इस प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा, तो एटलीस्ट एंड तक उस प्लान पर आपको स्टिक करना चाहिए। बीच में ये सब नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा अगर ये नहीं होगा, वो सब बाद में सोचना चाहिए अगर वो प्लान एग्जीक्यूट एग्जैक्टली नहीं हो पाता है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो हिमांशु, मैं एक अलग मुद्दे पे आपको लेके जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगा, थोड़ा सा सीरियस करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो भी गाइडेंस देते हो वो गाइडेंस उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, आप लोग जो डायरेक्शंस दिखाते हो उस डायरेक्शन पर बहुत सारे लोग जाने अनजाने फॉलो करते हैं। तो अब भी मुझे आपसे ये पूछना है, जैसे आपने कहा कि तुरंत आपके बीटेक के बाद जॉब की और जॉब के साथ ही आपने डिसाइड किया कि आपको तैयारी करनी है, तो मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, इनमें से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कौन सा यूज़ किया तरीका, और दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि आपने, क्योंकि आपके पास भी नो डाउट कि हमेशा इंप्रूवमेंट का एक रूम रहता है,
गुंजाइश रहती है कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आप अपने व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि वो आपकी गलतियों से सबक लेके उन चीज़ों पर कवर कर सकते हैं या अपनी प्रिपरेशन को इस तरह मोल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले कोचिंग और सेल्फ स्टडी वाली बातों को बताता हूं। मैं पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू लें, आपने किस तरह किया और फिर आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और व्यूअर्स को या लर्नर्स को एस्पिरेंट्स को क्या गाइडेंस दें? वेल, ऐसे मैंने कोई भी ऐसे फुल टाइम कोचिंग नहीं की थी जी। फुल टाइम रेगुलर कोचिंग मैं किसी क्लासेस में नहीं जाता था। नेक्स्ट टाइम भी मैं जब प्रिपेयर कर रहा था अलॉन्ग विद माई जॉब, मैंने ऑनलाइन कंटेंट लिया हुआ था जी जी। और कोई भी ऐसा रेगुलर क्लासेस नहीं ज्वाइन किया हुआ था। तो अभी एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूँगा यहाँ पे कि मार्केट में एक मिथ है कि बिना कोचिंग के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा मिथ है, अभी आप देखेंगे ना मार्केट के अंदर, तो मतलब मुझे ये शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आज की डेट में कहा जाता है यूजुअली इंजीनियर्स के बारे में, जो कुछ नहीं कर रहा है वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो मतलब कोचिंग्स को मतलब इतना ज़्यादा बढ़ावा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये पॉसिबल है कि मतलब आप कोचिंग ना करें और आप एक अच्छी रैंक निकाल पाएँ? वेल, ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। जैसा आपने पूछा कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग, हर सेल्फ स्टडी का भी अपना प्रो एंड कॉन्स है और कोचिंग करने का भी अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। ये सारा डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल्स वेरी करता है जी। मेरे हिसाब से अगर आप फोकस्ड हो गेट की तरफ तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं इंटरनेट पे या बुक्स हैं उनकी अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कोचिंग में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं। कोचिंग जाने का मेन रीज़न ये रहता है कि वहाँ पे आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम एनवायरनमेंट मिलता है, जो कि आपको ये लगता है कि मैं अकेले रह के या खुद से करके नहीं कर पाऊँगा, या फिर ऐसा होता है कि आप एक स्टिक टू एक रूटीन पे स्टिक करके जाते हो जो कि आपको लगता है कि मैं अकेले अगर करूँगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। ये सारे रीज़न से कोचिंग ज्वाइन करने के, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ वो लोग एक्स्ट्रा कोचिंग्स में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होता है जो कि आप सेल्फ स्टडी में नहीं कर सकते हो। तो यानी अब वो सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइडेड है या दूसरी मीडिया से प्रोवाइडेड है? ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है अगर आप सही से ढूंढ पा रहे हो या आपको पता है कि किन चीज़ों को लेना है या किन चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो चलिए, हिमांशु ने जो हमें बताया है निश्चित रूप से बहुत सारे व्यूअर्स या एस्पिरेंट्स उसको फॉलो करेंगे और उस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पर आप कोचिंग्स का एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। चलिए हिमांशु से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हिमांशु, निश्चित रूप से मैं एक एज ए एजुकेटर स्टूडेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहला वो जो बिगनर होते हैं, दूसरा वो जो रिपीटर्स होते हैं, है ना, एक दो बार किसी वजह से रीजन्स हो सकते हैं, अब जेन्युइन रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से वो नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, और तीसरा एक एक्सपर्ट लेवल पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं मानना चाहूँगा कि जो स्ट्रेटेजी है, अभी हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं हिमांशु से इन्हीं तीन टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान रख के बाकी की चीज़ें जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे लोग स्ट्रेटेजी बताते हैं, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है अगर हमें अप्रोच कर रहे हैं एग्जाम? वेल, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को किस एग्ज़ाम की तरफ मैं फोकस दूँ, आइदर गेट और ईएस या बोथ, दोनों को साथ में लेके जा रहे हैं। ओके, तो पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। yeah. मतलब हमें गेट भी जाना है या फिर ईएस ही जाना है या दोनों को जाना या दोनों को पॉसिबल है क्या दोनों की प्रिपरेशन साथ करनी? पॉसिबल है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि लोग बोल देते हैं कि दोनों इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन दोनों का अप्रोच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है दोनों के, क्योंकि बिकॉज ईएसई में अब दो तीन एलिमिनेशन राउंड होते हैं, पहला प्रीलिम्स होता है, देन फिर उसका मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होते हैं, और उसमें एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं सबसे पहली बात, और दूसरा उसका जो सिलेबस रहता है वो थोड़ा सा और वाइड रहता है। हम उसमें दो पेपर्स होते हैं, पहले पेपर्स में आपको जीएस की तैयारी करनी पड़ती है, जीएस में ऑलरेडी 10 सब्जेक्ट ऑल ऐड हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, और टेक्निकल का भी अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि गेट में हमारा अप्रोच रहता है बेसिकली पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड। एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं बताऊं तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में टूल कटिंग्स पे, तो हमारा बेसिकली मेन फोकस रहता है उसमें फोर्स कैलकुलेट करना या फोर्सेस की वैल्यू निकालना या कुछ भी कैलकुलेट करना, लेकिन ईएसई में अप्रोच ये रहता है कि अगर मुझे इस टूल की इस मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो मैं किस टाइप का टूल यूज़ करूँगा, तो इट्स मोर लाइक मेमोरी बेस्ड टाइप का हो जाता है कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं फॉर ईएसई, जो कि गेट के लिए ज़रूरी नहीं है। गेट के लिए कम, क्योंकि गेट एग्जाम ही एप्टीट्यूड, तो वो पूरा का पूरा एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। Correct. और न्यूमेरिकल अप्रोच रहता है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ पूरा डिफरेंट है, लेकिन आप साथ में लेके चल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी है और आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि एक तो ईएसई का एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है, उसके बाद आपको कंप्लीट एक मंथ मिलते हैं। अगर आप ईएसई की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपके पास एक मंथ रहता है जिसमें आप गेट के लिए कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए डिपेंड यही करता है कि आप एक कंसिस्टेंट वे में ईएस की तैयारी कर रहे हो
और गेट की साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल अप्रोच। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बिगनर्स हैं वो अगर मतलब गेट और ईएसई को ना साथ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो उन पर डिपेंड करता है कि अगर वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो लोग साथ में लेके जा सकते हैं क्योंकि उनके पास इनफ टाइम है। लेकिन अगर वो उनका डिसीजन ये थर्ड ईयर में स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम पे थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है क्योंकि कॉलेज भी मेंटेन करना है उनको, साथ में कॉलेज के एग्जाम्स भी हैं, साथ में गेट है, ईएसई है, बहुत ही ज़्यादा एक बार में स्टार्ट हो जाता है, एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें हॉटस्पॉट हो जाती हैं। तो ये जो जनवरी और दिसंबर का टाइम आता है उस टाइम पर आके वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर के गिव अप कर देते हैं और एक चीज़ गिव अप होने के चलते उनका दूसरा चीज़ भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ देखिए सर, मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि लास्ट टाइम पे जो प्रेशर हैंडल करना होता है वो इतना आसान नहीं होता है। Exactly. तो मैं इस पे, क्योंकि आपका मैंने एक और क्वेरा पे ही आपका वो पढ़ा था आंसर, जिसमें आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा हैटिक हो जाता है लास्ट मोमेंट्स पे इनको हैंडल करना, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा लास्ट में डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा। फिलहाल मैं आपसे स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा था, तो मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इसको सिंपलाइज वे में कर दें कि पहले, जैसे कि पहले मैं बोलूँगा कि कंप्लीट कर लो बुक्स को, आफ्टर दैट जब आप प्रिपरेशन थ्योरेटिकल को कंप्लीट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, आफ्टर दैट की प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, आफ्टर दैट टेस्ट सीरीज कीजिए, तो मतलब यही प्रोसीजर है आपके हिसाब से कुछ ऊपर नीचे किया जा सकता है? मैंने जो किया था वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा पूरा फोकस गेट की तरफ था जी। तो सबसे पहला काम ये रहता है कि गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 65 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 घंटे में सॉल्व करना रहता है जी, और वो पूरे सिलेबस को टच करते हैं, इवन द स्लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट पॉइंट को भी वो टच करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी टच करेंगे जी। तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हो गेट के एग्ज़ाम में। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि गेट एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड करो आप। गेट एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड करने के बाद अब उसके एक एक टॉपिक्स को कम्प्लीट करो, सिंगल टॉपिक सारी चीज़ों को। और उसके बाद एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब हम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि चीज़ों को एक साथ में कंपाइल करके साथ में चलना, क्योंकि जब ऐसा होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करते हैं हमें ऐसा लगने लगता है कि पुराना टॉपिक मैं कुछ भूल रहा हूँ या वो रिवीजन में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है। तो सब इनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाओ। अगर गेट अप्रोच के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस को बुकमार्क करो। उन क्वेश्चंस को बुकमार्क करो जिसमें 2 या 3 टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो दैट कि जब आप दोबारा उस पर रिवीजन करने के लिए आओगे तो आप एक क्वेश्चन के को रिवाइज करने के बाद आपके 2-3 टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब एक तरीके हैं जिसके थ्रू आप रिवीजन मतलब बहुत सारे चीज़ों को साथ में लेकर चल सकते हो। दूसरी चीज़ शॉर्ट नोट्स बनाने की है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बहुत सारे फार्मूलाज था, छोटे फार्मूलाज थे, कभी कभी बड़े फार्मूलाज थे जो दिमाग से स्लिप हो जाते थे। तो आप ये कर सकते हो कि उस शॉर्ट नोट्स में उस छोटे फार्मूला को लिख लो, या कोई वन लाइनर कॉन्सेप्ट है जो आप हमेशा भूल जाते हो उसको लिख लो, या कुछ सिली मिस्टेक्स है जो आप खुद आप ही करते हो हमेशा, जो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं वो आपको पता है कि वो मिस्टेक केवल आप ही करते हो, तो उन सारी चीज़ों को आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो और इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स मतलब उनको कैसे, इनको सबको साइमल्टेनियसली बांधना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो पहले वाला साफ हो जाता है, जेन्युइन है, ये सबके साथ होती है प्रॉब्लम, लेकिन 2 के बाद बढ़ोगे तो पहले वाले का नंबर बिल्कुल ही खत्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इन सब चीज़ों को बाइंड कैसे कर सकते हैं, बाइंड करने प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी और इसको शॉर्ट नोट्स को भी, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज भी कहीं ना कहीं सितंबर और अक्टूबर से रूल में आ जाती है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले बात है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ये जो 7 या 8 मंथ की जो पूरी गेट की प्रिपरेशन रहती है, आप थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहो। डेली में मुझे अगर 5 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन डेली 5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, तभी आप एक साथ सारी चीज़ों को लेकर स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी बताया था कि शॉर्ट नोट्स और आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से 2 बार लगाना चाहिए। ओके, एक बार जब आप अपना सिलेबस को स्टार्ट में कवर कर रहे हो तो उस समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, तो आपको एक आइडिया होता है कि एक्चुअली मैं गेट कैसे क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चंस किस लेवल तक, किस डीप, किस लेवल तक वो लोग जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसका एक आइडिया लगता है आपको जब आप एक बार स्टार्ट कर रहे होते हो। साथ में आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार लगा लिए, फिर बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं करता था, मैंने एक्सर्जिक का क्वेश्चन बैंक लिया हुआ था। ओके, वो बहुत ही मतलब बेस्ट कलेक्शंस है क्वेश्चंस का। तो ये हाँ आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे
या मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक्सर्जिक का क्वेश्चन बैंक वो एक्चुअली गेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है. Okay. जब आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा क्राउड से अलग हो जाओगे, क्योंकि आप थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो कि बहुत डिफिकल्ट हैं. तो एक ये एक्सर्जिक क्वेश्चन बैंक. नेक्स्ट एस अकेडमी का एक बिट्स एंड बाइट्स आता है जिसके दो वॉल्यूम्स हैं. उसमें 2200 के क्वेश्चंस क्या, ये जहां तक है ये सभी ब्रांचेस के लिए है ना? सभी ब्रांचेस के लिए. इसी के बारे में तो मैं जानता हूं, तो ये मैकेनिकल में भी, मैकेनिकल की भी है, सारे ब्रांचेस, बाकी ब्रांचेस के लिए भी अवेलेबल है, तो लोग फॉलो कर सकते हैं इसको. इसमें ऑलमोस्ट 2200 क्वेश्चंस के आसपास हैं. ओके, बट उसका लेवल ना बिट्स एंड बाइट का लेवल ना गेट के लेवल से थोड़ा सा, मतलब काफी, थोड़ा नहीं काफी लेवल ऊपर होता है. हां, ऊपर नहीं नहीं तो अच्छी बात है एक तरीके से. जब उस थोड़ा सा ऊपर लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन फिर आपको इजी लगने लगेंगे. या इतनी सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके दिमाग में जब भी आप कोई क्वेश्चन को डील करोगे तो एक पाथवे बन जाएगा कि मेरे को आंसर तक कैसे पहुंचना है. सर माफ़ कीजिएगा, लेकिन मतलब सिलेबस को कंप्लीट करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, टेस्ट सीरीज करना, आपको लगता है कि दूसरा क्वेश्चन बैंक के लिए टाइम बचेगा? यही तो मैं कह रहा था कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन वाइज कंसिस्टेंट रहोगे आपके पास टाइम बचा है. तो टेस्ट सीरीज के बारे में एक बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के साथ में ये मिसकंसेप्शन होता है कि मुझे टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करना चाहिए. या बहुत सारे पुराने टॉपर्स ने भी बताया हुआ है कि हमें टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करना चाहिए. जी, तो लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जब मेरा सारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाए या जब मैं सारी चीज़ें पढ़ लूँ तो मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा. तो मेरे हिसाब से आप जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आप ये बोल सको कि मैंने मेरा कम्प्लीट सिलेबस कम्प्लीट है या मैंने सारे सिलेबस पढ़ लिया है. क्योंकि जब जिस भी दिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेबस हो चुका है, दिमाग में एक छोटा सा आएगा कि मैं ये टॉपिक बोल रहा हूँ, मैं ये फार्मूला बोल रहा हूँ, तो फिर आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे कि फिर से मुझे वो टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है. तो टेस्ट देने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसीलिए टेस्ट सीरीज इस हिसाब से डिज़ाइन रहती है कि सबसे पहले टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, देन फुल लेंथ. तो टॉपिक वाइज टेस्ट देने का मेन मकसद ये रहता है कि जब आप सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट को उसके साथ में दे दो और फिर जब वो कंप्लीट हो जाए फिर चैप्टर वाइज पे मूव करो. जब आप एक दो चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन करके फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दो. जब आपकी दो तीन सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं तो एक कंबाइंड सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट होते हैं उनको दो. और फिर जब आपको लगे कि मेरा ऑलमोस्ट 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप फुल लेंथ टेस्ट दो. फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो फिर आपको एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअली मेरे से मिस्टेक कहाँ पे हो रही है. मैंने जो चाहिए पढ़ ली है उनमें कहाँ मिस्टेक हो रही है, मैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, या मैं एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ. ये बेसिकली तीन टाइप की मिस्टेक होती हैं जो कि आप टेस्ट सीरीज से सुधार सकते हो. तो दोस्तों यहाँ एक बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट हमें सीखने के लिए मिली कि आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है. बिल्कुल सही कि इंसान है और ये हमारी फितरत में है कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं याद रह सकती. तो यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करें और साथ के साथ प्रिपरेशन करते रहें, टेस्ट सीरीज देते रहें और उससे जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, जो भी अभी इन्होंने हिमांशु ने बताए, जो भी हमें चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं एक कॉपी में नोट डाउन करते रहें, बुकमार्क्स करते रहें इस तरह के क्वेश्चंस, ताकि जब लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन करना हो, रिवीजन के लिए आप कितना बोलेंगे, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आप कितना टाइम देना चाहेंगे? एक मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा. मिस्टेक्स बुक्स जो मैं करता था एक्चुअली, कि आप जितने भी टेस्ट स्टार्ट किया आपने टॉपिक वाइज या फुल लेंथ जो भी टेस्ट आपने स्टार्ट किया, तो बेसिकली कोई भी एस्पिरेंट्स तीन टाइप के ही मिस्टेक्स करते हैं. सबसे पहला सिले मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स और कंसेप्चुअल मिस्टेक्स. ठीक है, तो उस मिस्टेक्स बुक में आप इन तीनों को बुकमार्क करके लिखो कि मेरे से सिले मिस्टेक्स हुई है, मैंने क्या मिस्टेक्स करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है तो ये क्या मिस्टेक्स की है, या सिले मिस्टेक्स हुई है तो मैंने कौन सी मिस्टेक्स करी है. क्योंकि कुछ मिस्टेक्स होती है जो पर्सन स्पेसिफिक होती है. जैसे मेरे साथ होता था कि जब भी मैं गियर ट्रेंस के क्वेश्चन बनाता था तो मेरे प्लस माइनस का बहुत सारा मिस्टेक्स होता था कि पूरे सभी लोगों के आंसर प्लस में आ रहे हैं, मेरा माइनस आ जाता था. तो मुझे पता था कि मैं यहाँ मिस्टेक्स करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा केयरफुली होकर के इसको सही कर लो. और ये मिस्टेक्स बुक्स को आप डेली एक बार जरूर गो थ्रू करो, या कोई भी टेस्ट देने के पहले एक बार गो थ्रू करो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो भी मिस्टेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे. थोड़ा सा इस बार मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने वाला हूँ कि पर्सन से पर्सन वेरी करता है. जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं शुरू में बहुत ही ज़्यादा एंथ्यूज्म होता है, शुरुआत बहुत ही अतोत्साहित होकर करते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं हो पाती है. तो मतलब कैसे अपने, क्योंकि ये प्रिपरेशन पीरियड बहुत लंबा है, क्योंकि 8 महीने का प्रिपरेशन पीरियड ये इतना इजी नहीं है कि सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ प्रिपरेशन ही प्रिपरेशन की जाए. ऐसे टाइम में इस एनर्जी लेवल को मेंटेन करना
मतलब कैसे इसको मेंटेन किया जाए? आपने खुद की तो आपको उन्हें किस तरह मेंटेन की, वो सारी चीज़ें? तो सबसे पहले तो एक मोटिवेशन जरूरी है कि आप एक्चुअली इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए क्यों जा रहे हो, या आप इस एग्ज़ाम्स की तरफ जा क्यों रहे हो, फाइनल आउटकम क्या है, उसके लिए एक मोटिवेशन जरूरी होता है। और उसी मोटिवेशन को आप बार बार देख करके थ्रू आउट एट मंथ्स का जो ड्यूरेशन है उसमें आप कंटिन्यू मोटिवेटेड रह सकते हो। क्योंकि अगर आपका फाइनल आपका कोई मोटिवेशन नहीं है, या फाइनल आपको पता नहीं है कि मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, तो आप कंटिन्यू थ्रू आउट मोटिवेट नहीं हो पाओगे। बीच में एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा ठीक है मैं छोड़ दूँ, मैं अगर प्रिपरेशन छोड़ भी देता हूँ तो भी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे को एक लेवल तक पहुँचना है, या मुझे यहाँ जाना है, या बहुत लोगों का होता है कि मेरा PSU एम है, मुझे PSU पहुँचना है, तो इसको एक मोटिवेशन की तरह आप एक यूज़ कर सकते हो कि मुझे PSU जाना है, और इसी 8 मंथ के लेवल में आप इस पूरे मोटिवेशन को साथ में लेके चलिए। अब सर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक का रोल आप कितना मानते हैं? लक का रोल रहता है गेट जैसे एग्ज़ाम में, गेट और ESE जैसे एग्ज़ाम में लक का रोल रहता है। बिकॉज कभी कभी होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम पे पहुँचे हो, सारी चीज़ें सही हैं, प्रिपरेशन सही है, एग्ज़ाम के एक रात पहले आपने अच्छे से नींद भी ली हुई है, लेकिन आपका माउस सही से काम नहीं कर रहा है, या आपका स्क्रीन बीच में ऑफ हो गया, तो अचानक से ये जो चेंज आता है उससे आप कभी कभी पैनिक हो जाते हो, और ये इसका इफेक्ट पूरे एग्ज़ाम पर पड़ जाता है। तो लक फैक्टर होता है, बट लक फैक्टर मतलब लक फैक्टर ये आपने कहा, पर ये वैसे रेयरली, बहुत रेयरली होता, बहुत रेयरली है, लेकिन होता है। लेकिन मान लिया मैंने, लेकिन आपको क्या लगता है इसका एक एक्सक्यूज बनाना सही रहेगा हम लोगों को? एक्सक्यूज बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि लक फैक्टर अगर होगा तो हो सकता है कि एक साल आप किसी पर्टिकुलर ईयर में आपके साथ ये ऐसा हुआ हो, लेकिन हर बार ऐसा हो रहा है तो ये इसको आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो लक फैक्टर को, क्योंकि लक फैक्टर कभी कभी एक ही टाइम हो सकता है ऐसा। तो सबसे पहले हिमांशु मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अगर पढ़ाई के लिए, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, आप स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंड करना पसंद करोगे, या कहोगे कि जो नोट्स होते हैं या और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करें? मतलब किस तरह से स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने फॉलो किया था उन्हीं टॉपिक्स के लिए जिसमें मुझे लगता था कि डीप में जाने की ज़रूरत है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करते थे कि मतलब कि इस टॉपिक को मुझे स्टैंडर्ड बुक से चाहिए या डीप में जाना है, कैसे? और फिर कौन कहाँ से वो रेफरेंसेस बुक्स मिलती हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक्सर्जिक क्वेश्चन बैंक और रेस बिट्स एंड बाइट्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था, और ये इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा, गेट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। जब मैं इनको पढ़ता था और मेरे से मैं एक 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलता था कि मुझे 50 में 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है करेक्टली, जब ये टारगेट फुलफिल नहीं हो पाता था तो मुझे पता चलता था कि इस टॉपिक में मैं लैक कर रहा हूँ, तो फिर मैं उन सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड बुक को ढूंढता था कि इन सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन से हैं और किस टॉपिक में मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, उस टॉपिक्स में मैं थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ाई कर लेता था। सारे टॉपिक्स के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको बुक्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, जिसके लिए आपको बुक्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिसके लिए अगर आप डीप में थोड़ा जाके पढ़ाई करोगे तो उनका हेल्प आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्म अच्छे से पढ़ाई करोगे, स्टेंटो मटेरियल की पढ़ाई अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको मशीन डिज़ाइन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड टॉपिक है। तो इस तरह से बुक्स रिकमेंड कर सकते हो आप, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सर उसके बाद मुझे आपसे, आपने बताया लक के रूल के बारे में भी बताया, आपने स्टैंडर्ड बुक्स के लिए भी बताया, आपने बताया कि स्टैंडर्ड बुक्स को मतलब बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी अगर अवॉइड करनी हो तो आप नोट्स वगैरह जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं उन सबको फॉलो किया जाए तो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है सर, अगला पॉइंट मेरा आपसे ये है कि अगर हमें, आपको अगर मैं बोलूँ कि लास्ट मोमेंट के प्रेशर को हैंडल करना है, क्योंकि आप जैसे ही आप जाएंगे नवंबर से दिसंबर की तरफ तो होता क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आपको लगता है आपने पूरी साल पढ़ा हुआ है, सडन सब कुछ भूल रहे हैं आप, है ना? और आपको लगता है कि मतलब बाकी सारे सराउंडिंग देखते हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आने लगती है लास्ट मोमेंट पर आते आते, तो ये आपके साथ हुआ है क्या? मेरे साथ एक्चुअली मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा हुआ था, लेकिन जब नेक्स्ट अटैम्प्ट में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने अपने लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करा था और उन पर काम किया था। मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी कि अब ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन मुझे नया नहीं लगता था कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन आया है, ये मैंने कभी देखा नहीं है, या इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले स्ट्रेस में नहीं आना है, क्योंकि स्ट्रेस अगर होगा तो स्ट्रेस कुछ उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेस जब भी आएगा वो आपके 2 या 3 क्वेश्चंस को लेके ही जाएगा, उनके मार्क्स नेगेटिव करा के ही जाएगा। तो मुझे जब हमें ये पता है कि इस स्ट्रेस लेने से मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस हम ये सोचें कि मुझे जितना आता है उस पर उसका 100% दूंगा, तो फिर मेरे नेगेटिव मार्क्स इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है सर, आपने
स्ट्रेस को मतलब बोला कि उसको हम अवॉइड करें, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें, खुद को ये बिलीव दिलाएं कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। एक जो बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में, वो होता है उसका डेली रूटीन। तो मैं आपसे बोलूंगा कोई आइडियल डेली रूटीन आप देना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहें? ऐसा मैं तो ऐसा कोई आवरली बेस्ड स्टडी नहीं करता था कि मुझे डेली 5 घंटे 6 घंटे इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, इतने बजे तक सोना है, या ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं रहता था। मैं बेसिकली टारगेट बेस्ड स्टडी करता था कि मैंने एक वीकली टारगेट सेट करा कि मुझे इस वीक में ये इन दो सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, साथ में इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मैं उस स्टिपुलेटेड टाइम में उसको कम्प्लीट करने की कोशिश करता था। और मैं सजेस्ट करूँगा कि बाकी एस्पिरेंट्स भी इसको फॉलो करें, बिकॉज आपसे आवरली आवर बेस्ड स्टडी हो नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट है जो डेली लाइफ में आते रहते हैं कि किसी दिन आपको कॉलेज जाना पड़ गया, किसी दिन कुछ काम आ गया कि आप उस दिन का रूटीन फॉलो नहीं कर पाए। तो जब आप कंटिन्यूसली आप जब इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हो तो आप खुद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो उससे बेटर है कि आप एक टारगेट सेट करो कि मुझे एक वीक में या 10 दिन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या 2-3 सब्जेक्ट्स को निपटाना है, तो वो अचीवेबल टारगेटेड रहता है। तो इसलिए ये चीज़ बेस्ट हो जाता है टारगेट बेस्ड स्टडी। तो आप कुछ टिप्स जो हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, कुछ टिप्स की हाँ कि आप अपनी लाइफ की लर्निंग से ये चीज़ें हमारे एस्पिरेंट्स को दे रहे हैं कि ये चीज़ करें ये ना करें, डू एंड डोंट्स? जो मैं फॉलो करता था अपने टाइम पे वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने स्टडी एरिया में जहाँ पर भी मैं पढ़ाई करता था उसके सामने वाले वॉल पर मैंने 2 चार्ट्स चिपकाए हुए थे जी। उस चार्ट्स पे मैं जब भी कुछ भी ऐसा चीज़ भूलता था या कोई भी क्रूशियल चीज़ है जो मेरे दिमाग से हमेशा स्लिप हो जाती थी, उसको मैं पेन से या मार्कर से सामने लिख लेता था, और ऐसी जगह पे वो उस चार्ट पेपर को चिपकाया हुआ था सो दैट मैं उसे डेली देख पाऊँ या कंटिन्यू मेरी नज़र उस पर पड़ती रहे। इसका एक्चुअली बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि आप जब कोई बहुत ज़्यादा भूलने वाली चीज़ों को कंटिन्यू देखते रहते हो तो वो याद हो जाती है। और दूसरी चीज़ मैं जो करता था कि कुछ कुछ टॉपिक्स थे जिनको मैं बहुत जल्दी भूल जाता था, तो मुझे पता था कि जब इन टॉपिक्स को मैं बहुत जल्दी भूल रहा हूँ तो इसको रेडली रिवाइज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक टॉपिक होता है क्विंग थ्योरी। उस क्विंग थ्योरी में बेसिकली पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ओके तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और उनके फॉर्मूला थोड़े से टेढ़े रहते थे। तो मैं उस टॉपिक को बार बार भूलता था, तो मुझे पता था कि इस टॉपिक को मुझे हर 10 दिन पे या हर वीक मुझे रिवाइज करना है। तो इस टाइप के टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ और उसको हर 10 दिन पे हर 15 दिन पे रिवाइज करते रहो। तो मतलब अभी से अगर उसे गेट क्वालिफाई करना है एक डिसेंट रैंक के साथ या इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करना है, तो आप अभी से उसे किस तरह जाना के लिए किस तरह बोलेंगे कि उसको माइंडसेट किस तरह लेके चलना चाहिए? वेल जो भी स्टूडेंट अभी बेसिकली अप्रैल चल रहे हैं, अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास अबंडेंट टाइम पड़ा हुआ है नेक्स्ट गेट या ई एस तक सारी चीज़ों को अच्छे से कम्प्लीट करने के लिए। तो अभी बेसिकली स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि अगर आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई की है या कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की है तो भी आपके पास 3 से 4 मंथ या 5 मंथ का ऐसा टाइम है जिसमें आप आराम से सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो, और उस सिलेबस को आपने मान के चलो आप अगस्त अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास टेस्ट देने का बहुत सारा टाइम बच जाता है अगस्त के बाद से। तो आप अगस्त से टेस्ट देने के साथ ही रिवीजन को भी स्टार्ट कर दो तो ऐसा हो जाएगा, और साथ में प्रैक्टिस आप क्वेश्चन से कर ही रहो तो ऐसा होगा कि अक्टूबर नवंबर आते आते आपका सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, या ऐसा हो जाएगा कि आप सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल पा रहे हो, एक बार में ही आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, एक बार में ही आप प्रोडक्शन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, या आप सारी चीज़ों को पाइल अप करके आगे चल पा रहे हो। या फिर कभी अगर उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है कि आप तुरंत ही उस टॉपिक्स को खोल के देख ले रहे हो, तो सबसे बेस्ट है कि अभी आपके पास बहुत सही टाइम है अप्रैल से स्टार्ट करने का। अभी से 4-5 महीने आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लो, और अगस्त से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो 3-4 महीने की टेस्ट सीरीज, साथ में फिर रिवीजन और प्रीवियस ईयर, और फिर पूरे जनवरी भर रिवीजन और फुल लेंथ देना है, और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक कुछ नहीं देना है, बस जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिटेन करने की कोशिश करना है। एक छोटी सी चीज़ आपसे यहाँ से जानना चाहूँगा, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताएंगे जो आपने क्यों और आप चाहें कि एस्पिरेंट्स ना करें? वेल मेरे से लास्ट ईयर ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स थी, जिसको बताने में भी मुझे एक्चुअली शर्म आती है जी, जी। क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेरा एक्चुअली 100 में से 96 मार्क्स का अटैम्प्ट था जी, जी। तो 96 मार्क्स का अटैम्प्ट करने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे आराम से 85-86 मार्क्स आ जाने चाहिए थे जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिली मिस्टेक्स हुए जो कि एग्जाम्स के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाने के चलते हुए जी। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था हमारे टाइम पे वाइब्रेशन का, वो वाइब्रेशन का एक क्वेश्चन था, एक मास था उसमें 2 स्प्रिंग लगे हुए थे जी। उसमें फाइनल वो फोर्स पूछ रहे थे इन ईच स्प्रिंग,
ठीक है। तो यहाँ पे ईच वर्ड जो था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो ईच स्प्रिंग में क्वेश्चन फोर्स की वैल्यू पूछ रहे थे। गेट में इतना तो मैंने भी नोटिस किया है कि हर एक पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता कीवर्ड्स है, मतलब का बहुत कीवर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब हमें ये भी ध्यान रखने हैं जो अटेम्प्ट लेने के लिए जाना है। तो सबसे पहले कीवर्ड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। कभी कभी वो क्वेश्चंस जिसमें वो एफिशिएंसी पूछ रहे होते हैं, फ्रैक्शन में पूछ रहे होते हैं या फिर परसेंटेज में पूछ रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से देख के हमें देखना होता है गेट के पेपर में, क्योंकि उसमें गलती हमसे यहीं पे होती है। एक मैंने ये मिस्टेक्स बताई स्प्रिंग वाली, एक मिस्टेक्स मेरे से और हुई थी जिसमें वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और उन्होंने ब्रैकेट में बस लिख दिया था इन परसेंटेज, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर को देना था। जो भी मेरा फाइनल आंसर आया था उसको 100 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये सब टाइप के मिस्टेक्स है जो गेट एग्जाम में आपसे होती है अगर आप अटेंटिवली क्वेश्चंस को नहीं देखते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, फाइनल कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो कि किसमें आंसर पूछ रहा है। सो मेरे हिसाब से गेट लेवल विल बी इजी एज अ पाई। तो चलिए सर, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी बात है। कोई पर्सनल ऐसा मोमेंट जो हमारे साथ आप शेयर करना पसंद करें, कोई जो आपकी लाइफ का सबसे खास मोमेंट रहा हो? वेल ऐसे एक कैमोमाइल टी विद टॉपर से मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मैंने बहुत सारे अपने ESE और गेट टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं। जी। उनमें सबसे ज़्यादा कूल इंटरव्यू मुझे लगा था गौरव जोशी सर का जी, और एक और इंटरव्यू था नमित सर का जी जी, और सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड मैं किसी के इंटरव्यू से हुआ था तो वो विठल पांडे सर जी के इंटरव्यू से हुआ था, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा लास्ट में हमें एक मैसेज दिया था कि लाइक एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होता है, वी शुड वर्क जी, अपना काम करते रहना चाहिए क्योंकि एक्सक्यूजेस तो हमेशा ही हैं। तो उनके इंटरव्यू से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। तो सर आप किसी टॉपर को यहाँ पे टैग करना पसंद करेंगे? वेल एक्चुअली मेरा दोस्त है एक ऋषभ गुप्ता जी, वो मेरा बैचमेट है लास्ट ईयर, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 2 इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड करंटली ही इज परस्यूइंग एमटेक फ्रॉम ISC बैंगलोर। तो हमारी टीम जल्द ही ऋषभ से कांटेक्ट करेगी, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो हमारे शो में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हिमांशु एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ खेलने वाले हैं, और आपको सबसे पहले आपके दिमाग में उसको सोच, मतलब जैसे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा आपके दिमाग में क्या पॉपअप होता है वो बोलना है। चलेगा? आर यू रेडी? एक्साइटेड? आपके स्कूल का सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट? संस्कृत। अगर आपको एक दिन के लिए अपनी जिंदगी किसी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ स्विच करनी हो तो वो कौन होगा? I would say वीरेंद्र सहवाग। Okay, वीरेंद्र सहवाग। अच्छा, आजकल आपको क्या चीज सबसे ज्यादा एक्साइटेड करती है? कोरा। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस? इंपेशेंस। आपका सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट? AIR 12 obviously। आपकी अभी की रिसेंट हॉबी? I'm avid reader on कोरा, मतलब कोरा मैं डेली, मतलब किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से ज्यादा मैं सबसे ज्यादा कोरा पे फॉलो करता हूँ, कोरा को रीड करता हूँ या कोरा पे आंसर्स भी राइट करता हूँ, तो आई वुड से कोरा। थैंक यू हिमांशु यहाँ पर आने के लिए, और आपको अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, प्लीज कोई मुझे हेल्प करेगा? थैंक यू मैम। थैंक यू। कैन आई कीप इट हियर? यस यस प्लीज। सो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को, एस्पिरेंट्स को आप देना पसंद करेंगे? तो सब एक मैसेज मैं और सारे एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स जो गेट और ESE इन सब तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क। वो अपने घर से दूर रह करके या बहुत सारी चीज़ों को दूर रख के अपने से इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखना कि ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू वर्थ वन डे। सारी चीज़ें होंगी एक दिन, हो सकता है आप एक बार फेल हो रहे हो ड्यू टू सम रीजंस, बट डोंट लूज होप, एक टाइम आएगा जब सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो हैंग इन देयर एंड इट्स ऑल। सो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु यहाँ आने के लिए, आपका एक्सपीरियंस यहाँ कैसा लगा ज़रूर बताइए। वेल पहले तो मैं जब प्रिपरेशन करता था तो अनअकैडमी की वीडियोस देखा करता था जी, अभी अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे आके इट्स रियली अ प्रिविलेज, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हम लोगों की तरफ से, हम आपको अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप लाइफ में जहां कहीं भी जाएं बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स लें उस फील्ड में जाके। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।